अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बस अम्मा कहीं भी नहीं है अभी, रुक जाओ। क्या शुभ नाम है आपका और किस उद्देश्य को लेकर आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं और कहां से आपने साइकिल यात्रा शुरू की और कहां पर ये यात्रा आपकी खत्म होगी? मेरा नाम सुरेंद्र वामने, मैं जिला नर्मदापुरम ग्राम अमराई का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा 6 दिसंबर को साइकिल यात्रा शुरू की गई है नर्मदापुरम से। अभी मैं 11वें जिले देवास में आया हूँ, इससे पहले 10 जिले में यात्रा कर चुका हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सैनिटरी पैड के प्रति जागरूक करना। मेरे द्वारा महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मैं आज भी देखता हूँ कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है, शिक्षा की कमी का हो या धर्म के मारे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती है, नहीं ले पाती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि महिलाओं के हित में कोई ऐसी योजना लेकर आए जिसके द्वारा सभी महिलाओं को जागरूक किया जाए और हो सके तो सरकार सभी को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए। आपको ये ख्याल कैसे आया, क्या घटना घटी ऐसी जो आपके मन में ये बात आई? मेरे सामने एक बार ट्रेन में घटना घटित हुई थी। एक बालिका को पीरियड आने स्टार्ट हुए, उस टाइम उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो मैंने उसकी मदद की थी। उसी दिन से मैंने ये सोचा कि ये इस पर मैं काम करूंगा, फिर मेरे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा दिन है आज आपका ये साइकिल यात्रा का? ये मेरा 23वां दिन है। कितने जिले में होकर आ गए हैं? अभी 10वें जिले से होते हुए 11वें जिले देवास में आया। अब आपकी साइकिल यात्रा यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से उज्जैन के लिए निकलूंगा, फिर उज्जैन से रतलाम, मंदसौर, नीमच। आपकी यात्रा का ये समापन कहाँ पर होगा? मेरी यात्रा का समापन सभी जिले होते हुए सीएम हाउस भोपाल में रहेगा। माँ का सीएम से मुलाकात करेंगे आप? हाँ, मैं चाहता हूँ सीएम से मांग करूँ, जो भी मैं समस्या देखूँ सभी की मांग रखूँगा। महिलाएँ भी चाहती है कि ये जरूरी है, होना चाहिए निःशुल्क। ठीक है, आपका नाम? सुरेंद्र वामने।